हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से ऑल टेक अपडेट्स में। और मेरा नाम है आतुर निज़ाम और ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो है। रीज़न ये था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बताऊं कि कैसे इंडिया में ऑनलाइन अर्निंग की जाती है। अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हो और आप पार्ट टाइम इनकम चाहते हो या फिर आप कहीं जॉब करते हो और अपने खाली स्पेंड टाइम में आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो, तो आज मैं आपको टॉप 5 वे बताऊंगा, कि 5 ऐसे रास्ते बताऊंगा जिससे आप आसानी से इनकम कर सकते हो ऑनलाइन द्वारा। तो दोस्तों वीडियो पे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो वीडियो में बिना टाइम गवाए वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों तो सबसे पहला जो तरीका है वो तरीका ये है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम को अगर सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आप किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस को आप दूसरों में शेयर करते हो या फिर अपने फ्रेंड में शेयर करते हो या अपनी फैमिली में शेयर करते हो, तो उसे प्रॉपरली बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम। मतलब ये कि आप किसी प्रोडक्ट की जानकारी दूसरे को दे रहे हो, ठीक है, तो उसको रेफर करते हैं। उससे इनकम कैसे हो कि मैं आपको बता दूं, जब भी आप जैसे किसी एप्लीकेशन या फिर आप सीधे लफ्ज़ों में समझो एक नॉर्मल सा आपको मैं वो बताऊं एग्जांपल बताऊं, तो आजकल आप प्ले स्टोर पे बहुत सारे आपको ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि आपको पैसा कमा के वो देंगे, ठीक है। तो आप उनके एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप उसके जो रेफरल कोड आता है उसको आप रेफ़र करते हो दूसरों में और उस रेफर का पैसा आपको कंपनी उठा के देती है। तो वो बहुत खास पैसा नहीं होता है, मतलब कि आप पूरे महीने अगर उस पर वर्क करोगे तो मुश्किल से आप 1000 रुपये भी कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, वो मतलब कोई खास नहीं होता है। लेकिन ये इनकम का एक ज़रिया है, मतलब ये आप पार्ट टाइम के लिए कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा बहुत अच्छा और बहुत ईजी तरीका है, वो है एफिलेटेड मार्केटिंग। एफिलेटेड मार्केटिंग क्या है मैं आपको ईजली तरीके से बता दूं। एफिलेटेड मार्केटिंग ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ या फिर अमेज़ॉन हुआ, ठीक है, या फिर शॉपक्लूज़ हुआ, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, ठीक है, इसमें आपको सेलर बनना पड़ता है और वहाँ से आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू जो आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट हो, ठीक है, या फिर कोई ब्लॉग्स आपने बना रखा है, ठीक है, तो उसमें अगर उसको कह देते हैं आप ऐड करा के आप वो उनके प्रोडक्ट्स को बेचवाते हो तो उसमें आपको कमीशन मिलता है, तो वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत अच्छा और बहुत सीधा वे है पैसा कमाने का, इसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मतलब ये कि आप एक महीने में कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आपको बस सिंपली करना ये होगा कि आपको फ्लिपकार्ट या फिर शॉपक्लूज़ या अमेज़ॉन या स्नैपडील जैसी साइट्स पे जाना होगा और उसकी एफिलेटेड मार्केटिंग आप गूगल पे जाओ सर्च करो वहाँ पे, ठीक है, और डालो कि अमेज़ॉन एफिलेटेड मार्केटिंग, ठीक है, तो उसमें वो आपको क्या कहते हैं एक पेज ओपन करके देगा जिसमें आपको बताएगा कि ये सेलर के लिए है। वहाँ पे आपको अपनी आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद वो अपना कमीशन बता देंगे कि कितने पे क्या कमीशन मिलना है, तो उस तरीके से आप उसको देख करके वहाँ से आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। ये एक कमीशन बेस्ड होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो उनके साइट से तो उसका कमीशन आपको मिल जाता है, आप एक एजेंट के तौर पर काम करते हो। तो ये बहुत अच्छा वे है पैसा कमाने का। और तीसरा नंबर है बाय एंड सेल। दोस्तों बाय एंड सेल क्या है मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। उससे पहले आप ये जान लो कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जैसे कि OLX हुआ, क्विकर हुआ, ठीक है, इस तरीके की जो साइट्स हैं ये, इस पर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप देखते होंगे जो सेकेंड हैंड दिखते हैं, तो इसी को बाय एंड सेल्स का एक रूप दिया गया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर आप अपने घर का कोई ऐसा जो सामान हो उसे आप बेचना चाहते हो तो वहाँ से बेच करके आप पैसा भी कमा सकते हो। उसके बाद आपको अगर OLX या क्विकर जैसे साइट पर आपको कोई प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हो दूसरी पार्टी से और उसको आप सही रेट लगा कर उससे ऊपर का रेट लगा करके सेल भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है ऑनलाइन अर्निंग करने का। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ गई है, वो है FB, ठीक है। FB पे एक ऑप्शन ऐसा आ गया है जो बिल्कुल OLX और क्विकर की तरह काम करता है, ठीक है, उसमें भी आप अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हो और वहाँ से आप उसको सेल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका FB ने भी दे दिया है क्योंकि ये पता है कि इससे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उसने एक ऑप्शन और डाल दिया है FB पेज पे। तो ये FB आपके खुद के आईडी पे, वहाँ पे आप जाके जब देखोगे तो बीच में एक मार्केट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप गोरखपुर या फिर क्या कहते हैं जहाँ भी दिल्ली वाली जो भी आपका जो लोकेशन है वहाँ डाल करके आप वहाँ से
आप प्रॉपरली मतलब सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को या किसी के प्रोडक्ट्स को परचेज करके फिर सेल कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बाय एंड सेल का। तो ये भी मतलब इसके थ्रू भी आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो चलिए हम चौथे नंबर पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। नंबर ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल खोलते हो तो उसमें ब्लॉग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्लॉग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट अगर आपको बनाने नहीं आता है सिंपली, ठीक है, या फिर मतलब आप किसी तरह का कोर्स नहीं किया हो तो आप सिंपल एक ब्लॉग बना सकते हो। और ब्लॉग बनाने के बाद गूगल पे एडसेंस आता है, ठीक है। एडसेंस क्या होता है कि जब आप ब्लॉग बनाते हो और ब्लॉग में आपने कोई जैसे क्या कहते हैं किसी के बारे में बताया या फिर आपके ब्लॉग का जो पेज है उस पर आपने किसी तरह का मतलब आपने ब्लॉग बना रखा है तो उस पर जो ऐड आते हैं उस पेज पे जो ऐड आते हैं वो एडसेंस के थ्रू आते हैं जिसका पैसा पे होता है आपके अकाउंट में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और उसमें बहुत सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ करनी है तो पहले आप एक ब्लॉग बनाओ और इसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से भी पैसा कमा सकते हो क्योंकि ब्लॉग से हाँ बहुत सारे लोग आज के टाइम में पैसा कमा रहे हैं। किसी के बारे में बताते हैं या फिर किसी की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं या कोई प्रोडक्ट्स आता है तो उसके बारे में बताते हैं आप GSM Arena, ठीक है, या फिर बहुत सारी साइट्स ऐसे देखते हो जो ब्लॉग के पर्पस पे काम करती है, ठीक है। तो आप भी अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग बनाने के बाद उसको एडसेंस से लिंक करा के एडवर्टीजमेंट जितना भी उसका आता है उसका पर एडवर्टीजमेंट का आपको पैसा कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गया दोस्तों चौथा तरीका। अब जो पांचवा तरीका है वो बहुत खास और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरा तो सबसे फेवरेट तरीका है पांचवा वाला, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं कि पांचवा तरीका क्या है जिससे आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो। अगर दोस्तों आपके अंदर कोई हुनर है या कोई काबिलियत है, ठीक है, और सिर्फ वो चीज़ आप पहचानते हो दूसरा कोई नहीं पहचानता है, तो उसको अगर आपको शो ऑफ करना हो या फिर कहीं आपको दिखाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। आपके पास जो भी हुनर है उसके बारे में आप यूट्यूब को बताओ, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो डालो और वीडियो डालने के बाद उसको देखो कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कितने व्यूवर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको जब 1000 व्यूज़ या 1000 वॉच टाइम का आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है तो आप वहाँ से पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हो। तो यूट्यूब एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।